त्रिगो 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 आया 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 दिमाग पे मेरे 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 छाया 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 छाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर इन ट्रिगोनोमेट्री और ये ट्रिगोनोमेट्री पूरा हमारे दिमाग पे छाना चाहिए because this topic is very 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 important for the trigonometry for 11th for 12th for calculus means limit integration differentiation everything remember it ye jo main lectures le raha hu for the unit circle we are going to take three round about 3 to 4 lectures for the unit circle ye jo unit circle ka part main karwane ja raha hu wo exact book mein nahi hai याद रखना और इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि बेटा ये लेक्चर हो सके तो ये जो तीन चार लेक्चर हमारे रहेंगे वो कम से कम दो दो तीन तीन बार देखना क्योंकि ऑल द लेक्चर्स विल बी हेल्पफुल इन द 12th आल्सो क्योंकि 12th में जो मेजर टॉपिक्स है कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ही आधे से ज्यादा चैप्टर्स है उसमें भी मोर देन 60% सम्स त्रिगो के है जो ट्रिगोनोमेट्री मैं पढ़ा था 7 चैप्टर्स में वो पूरा कंप्रेस करके आपको एक चैप्टर में दिया हुआ है अब सोचो कितनी डेप्थ होगी ऑब्वियस तो हम इतना कुछ पढ़ना भी नहीं चाहते बट जो जरूरी है वो तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि बेस में जो चीज है ऊपर वाली चलो छोड़ दो बट जो बेस में है अगर वो वीक हुई सो बिल्डिंग विल बी वीक एंड इट कैन बी डिस्ट्रॉय इन एनी टाइम राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस यूनिट सर्कल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशंस करवाई थी साइन और कॉस की वो अभी साइड में पड़ी है टुडे हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं कि भाई ये यूनिट सर्कल पर बहुत सारी चीजें हैं वन बाय वन वी विल सी राइट सो लेट मी स्टार्ट On this unit circle, we can move in two ways, in right direction or in wrong direction. Right direction means anti-clockwise direction and wrong direction means clockwise direction. We know this, right? चलो अगर हमारी जर्नी चालू करने के बाद हम यहां आके रुक गए So this place is known as P, P for point. This place is known as P. But what is an address? That we don't know. ये सारी बातें last lecture में हो चुकी है. To find the address, we have to join this point with the origin. Suppose this angle is theta. So address for this point will be P theta. The meaning of P theta is point on unit circle at theta angle. This is an address of this point on this unit circle. Without address, how can you find the place? Right? So address is must and that is P theta. For every theta, there is a unique place. Theta की वैल्यू एक डालोगे for that is unique place on this unit circle. Getting or not? Right? So अगर मैंने जर्नी यहां से चालू अच्छा now see, by P theta is playing in this on this unit circle. P theta के parents ने उसे बोला है कि you can move on unit circle anywhere but cannot leave the unit circle से बाहर गया तो तू गया unit circle पे बेटा तुझे जहां खेलना है खेल कोई इश्यू नहीं है सो P theta यहां भी हो सकता है 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 कहीं भी हो सकता है चलो P थीटा के दिमाग में आया कि आज मुझे A से मिलना है सो नो नीड टू आस्क हिज मदर मे आई गो टू ए मे आई गो टू ए मे टॉक विथ ए
कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड। सो पी थीटा यहां पे आ गया। व्हेन पी थीटा इज हियर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी थीटा विल बी 1 0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए हुए। पी थीटा की दूसरे दिन इच्छा हो गई कि चलो आज बी से मिलते हैं। अब उसको यूनिट सर्कल पे किसी को मिलने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आ गया बी पर। व्हेन पी थीटा इज ऑन बी इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 1। वो कहीं भी घूम सकता है, यहां पे आया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स -1 0 होंगे, अगर वो यहां आया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 0 -1। तो क्या यूनिट सर्कल पर हमें सिर्फ ये चार पॉइंट्स के ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे या सबके मिलेंगे? ऑब्वियस सबके मिलेंगे, ये चार के डिफाइंड है, बाकी सबके डिफाइन करने बाकी है, डिपेंड और रिगार्डिंग टू द प्लेस। सो पी थीटा राइट नाउ पी थीटा इज हियर, दिस इज एन एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, तो इसे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही, बट विच आर दे वी डोंट नो। सो मैथमेटिशियन ने इन जनरल इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमें एक्स वाई, जो कि लास्ट लेक्चर में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। रेडी करो ना। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस वी प्रूव्ड इट, एक्स इज कॉस थीटा एंड वाई साइन थीटा, सो इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन राइट कॉस थीटा साइन थीटा। Whenever point P is at theta angle, its Cartesian coordinates are x, y, and trigonometric coordinates are called P cos theta, sin theta. Theta भी important है, तो इसे एक नया नाम दिया हमने, trigonometric point. P is called trigonometric point. These coordinates are called trigonometric coordinates. It means that we can say x is equal to cos theta and y is equal to sin theta. So, by equation of unit circle, equation of unit circle is x square plus y square is 1, you know this, and by the definition of cos and sine, we can say x is cos theta, y is sin theta. So putting these values, that implies cos theta square plus sin theta square is 1. And it is written as also cos square theta. So it is our first identity. You know this. It is one of the proof. In another way, also we can prove the identity. कैसे? Let me see. यहां से मैंने एक एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिया, सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज एम विच इज ऑन एक्स एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम विल बी, इसका एक्स है ना, देन इट विल बी एक्स जीरो, बिकॉज वेन एवर पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, ये पॉइंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड x यूनिट डिस्टेंस, याद। सिमिलर मैंने y एक्सिस पर भी एक प्रोजेक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड n, द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज y, सो दिस डिस्टेंस विल बी y यूनिट, याद रखना, तो ये भी y हो गया। नाउ ये बात हो गई सारी, अभी मुझे ये सारी चीजें
ज्योमेट्री में ले जानी है, तो देखो यही चीज वापस, इन ट्राइंगल ओ एम पी, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ट्राइंगल ओ एम पी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एम पी इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो बाय पाइथागोरस वी कैन से ओपी स्क्वायर इज ओ एम स्क्वायर प्लस ओपी पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस इज ओपी स्क्वायर, ओ एम मीन्स एक्स सो एक्स स्क्वायर, पी एम मीन्स वाई सो वाई स्क्वायर, OP is radius for this unit circle that is 1. OP is radius for unit circle that is 1. So x is called cos theta, y is called sin theta, so cos square theta plus sin square theta is 1 in another way. अगर आपको xy नहीं लिखना है तो आप direct trigonometric कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो, सो इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 sin, तो यहां पे cos, इतना डिस्टेंस cos, इतना डिस्टेंस sin, डायरेक्ट यू विल गेट आइडेंटिटी। सो ये हो गई बात फर्स्ट आइडेंटिटी की, क्लियर पॉइंट। अब यहां पे ऑन दिस यूनिट सर्कल हमें जर्नी करनी है, सो लेट मी स्टार्ट। जर्नी हम स्टार्ट करेंगे हमेशा ए से, बिकॉज ए इज ओरिजिन। अभी मुझे रेडियन में एंगल्स लेने हैं, डिग्री में भी ले सकते हो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने डिग्री रेडियन के बीच में रिलेशन बताया था। सो व्हेन वी आर ऑन ए द एंगल विद द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट विल बी जीरो रेडियन, बराबर समझना, द एंगल ऑफ दिस पॉइंट विद ओरिजिन means center will be 0 radian after moving pi by 2 radian, because the length of this arc is pi by 2 radian, so after moving pi by 2 radian on this unit circle we will be here, so this angle will be pi by 2 radian and this distance is known as pi by 2 radian, ye bhi aapko pata hai, everything done in say last and last to last lecture, right? अगर वापस यहां पे आए सो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू जर्नी बनेगी पाई रेडियन की, इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, घूमते घूमते यहां पे आए देन इट विल बी थ्री पाई बाई टू और फिर यहां पहुंचे सो टू पाई, सो रिमेंबर द प्लेस फॉर जीरो एंड टू पाई आर सेम बट देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, their cartesian coordinates are equal, cartesian coordinates for 0 radian angle is 1 0, cartesian coordinates for 2 pi radian angle is 1 0, cartesian coordinates unique rahenge, getting my point, clear this point, abhi aur hame aage jana hai, let me start, ke hame yahan pe move hona hai, for that स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मीन्स ए, जर्नी के लिए ओरिजिन ए को लेना है, राइट। सो जैसे हम यहां पे खड़े हैं, दिस एंगल इज जीरो, सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस द एड्रेस फॉर दिस पॉइंट विल बी पी जीरो, एड्रेस फॉर दिस पॉइंट विल बी पी जीरो, याद रखना बराबर, एड्रेस फॉर दिस पॉइंट विल बी पी जीरो, its cartesian coordinates are 1 0 and trigonometric coordinates will be, देखो यहां theta था तो cos theta sin theta हुआ, so यहां पे 0 है, then the coordinates will be cos 0 sin 0 and therefore we can say cos 0 is 1 and sin 0 is 0। आप ये चीज 9th और 10th में पढ़ के आए हो कि भी cos 0 is 1, sin 0 is 0, कैसे वो पता नहीं था, सो आज वो प्रूव हो गया कि cos 0 is 1, because 1 0 are cartesian coordinates for a
और P0, cos0, sin0 are trigonometric coordinates for this point A or B0. Both are coordinates for unique place. So obvious they will be same. And therefore, cos 0 is 1, sin 0 is 0. Remember it. Right? After that, तो जैसे जैसे हम यहां पे मूव करेंगे P का जो एड्रेस वो चेंज होगा रिगार्डिंग टू दैट इट्स कार्टेशियन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज रिगार्डिंग टू दैट द कार्टेशियन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज व्हेन द पॉइंट इज ऑन B व्हेन द पॉइंट इज ऑन B its address will be p pi by 2 because point is on B and address is p pi by 2 when it is p pi by 2 its trigonometric coordinates will be cos pi by 2 sin pi by 2 when theta is theta cos theta sin theta when theta is 0 cos 0 sin 0 when theta is pi by 2 the cartesian coordinates will be cos pi by 2 sin pi by 2 so we can say see these are the trigonometric coordinates of this point and 0 1 are cartesian coordinates of this point they are coordinates for same place so they will be same so we can say cos pi by 2 is 0 sin pi by 2 is 1 और ये भी आप जानते ही हो सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहां पे आप डिग्री में एंगल लिखते थे राइट नाउ वी आर राइटिंग रेडियन बिकॉज पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री सो कॉस 90 इज 0 साइन 90 इज 1 यू नो दिस ये भी आपको पता है सो ये सारी वैल्यूज आपको लर्न बाय हार्ट करनी है एवरीथिंग दिमाग में डालनी है सारी चीजों को वेस्ट नहीं बनाना है परमानेंट मेंबर ऑफ द माइंड बनाना है याद रखना आफ्टर दैट जर्नी हमारी चालू है वी आर ऑन एडेस व्हेन वी आर ऑन एडेस सो पी इज हियर एंड पी इज हियर सो एड्रेस फॉर पी विल बी पी पाई एड्रेस फॉर पी विल बी पी पाई एंड ये एड्रेस के लिए द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर माइनस वन जीरो बट द ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी कॉस पाई साइन पाई देयरफॉर रिमेंबर इट कॉस पाई इज माइनस वन एंड साइन पाई इज जीरो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है एवरीथिंग समझ लो ये कोई बात टाइम पास नहीं चल रहा है एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th सो कॉस 0 इज 1 साइन 0 इज 0 कॉस पाई बाय 2 इज 0 साइन पाई बाय 2 इज 1 कॉस पाई इज माइनस 1 साइन पाई इज 0 सारी की सारी वैल्यू आपको लर्न बाय हार्ट करनी है राइट नाउ सी जर्नी अभी चालू ही हमारी घूमते 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 हम यहाँ पे आ गए सो पी इज हियर सो व्हेन वी आस्क इट के वेयर आर यू व्हाट इज योर एड्रेस तो उसने बोला आई एम ऑन बिडेस व्हाट इज योर एड्रेस एड्रेस इज पी थ्री पाई बाई टू सो द ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी कॉस थ्री पाई बाई टू साइन 3 पाई बाय 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 0 माइनस 1 सो वी कैन से कॉस 3 पाई बाय 2 इज 0 साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1 कॉस 3 पाई बाय 2 इज 0 साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1 ये सारी वैल्यूज याद रखनी है अभी यहां से घूमते घूमते P यहां पे आ गया एट दैट टाइम इस एड्रेस विल बी पी टू पाई इट्स एड्रेस विल बी टू पाई सी पी जीरो एंड पी टू पाई
are at the same places, still the trigonometric coordinates are different. Why? Because P0 is initiating point, whereas P pi by 2 is after full rotation. So places are same, but their values are not same. So the trigonometric coordinates for P2 pi will be cos 2 pi, sin 2 pi, and Cartesian coordinates are 1, 0. So we will say cos 2 pi is 1 and sin 2 pi is 0. Sari cheeje aapko yaad rakhni hai. Clear point? So, phir se on unit circle, we can move in any direction. P kahi bhi ghoom sakta hai. Agar wrong direction mein jana ho, you can means clockwise direction. Agar right direction mein jana ho, you can means anti-clockwise direction. So यहाँ पे ये जो दो चीज मैंने आपको बताई, एक relation between Cartesian coordinates and trigonometric coordinates. Second one, the first identity is done, that is cos square theta plus sin square theta is 1. So in the last lecture birth हुआ था sin और cos का, आज उसकी identity भी आ गई. अभी sin, tan, cot, sec, cosec का बर्थ होना बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. बिफोर दैट हमें एक टॉपिक रिवाइज करना है, सेट ऑफ जीरो. जो मैंने एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस करवाया था उसी पर डिपेंडेंट है. अभी धीरे धीरे देखो सारी चीजें कोरिलेटेड है. सेकेंड चैप्टर में से ही सब कुछ आने वाला है. व्हाट इज सेट ऑफ जीरोस, वहीं से हमारी ट्रेन चलेगी. सेट ऑफ जीरोस, राइट. ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने सेकेंड चैप्टर में करवा दिया है, आज थोड़ा फोकस करेंगे. सेट ऑफ जीरोस इन सेट फॉर्म वी कैन राइट सेट ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज जीरो वेर एक्स इज मेंबर ऑफ डोमेन. देखो मैथमेटिक्स हमेशा इशारे से बात करता है, वो डिस्क्रिप्टिव बात कभी नहीं करता, वो ऐसे करेगा. सो इसने इशारा कर दिया कि व्हाट इज सेट ऑफ जीरोस, तो इशारा कर दिया मैं कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज बीइंग जीरो ऑफ डोमेन, ऑल द वैल्यूज ऑफ डोमेन फॉर व्हिच द फंक्शन इज बीइंग जीरो. अगर फंक्शन जीरो बन रहा है तो वो वैल्यू सेट ऑफ जीरो में है. सेट ऑफ जीरोस की जो वैल्यूज है वो हमेशा डोमेन में से लेनी है. गेटिंग माय पॉइंट? कैसे? सो मैं एक इलस्ट्रेशन आपको दे रहा हूं. सी सपोज f इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम z टू z एंड fx इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2. ये फॉर्म देने से सेट ऑफ जीरो आसानी से समझ में आएगा. अगर मैं इसे एक्सपांड करके हूं ना तो फंसोगे आप, फंसाओगे मुझे. बट बाय दिस फॉर्म वी कैन इजीली अंडरस्टैंड भाई एफ की वैल्यू जीरो कहां पे होगी. सी डोमेन इज जेड, सो वी कैन टेक एनी इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स. वी कैन टेक एनी इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स. टेकिंग x इक्वल टू 1, यहां से मैंने 1 लिया, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इनटू समथिंग इज 0, सो f1 इज बीइंग 0, f1 इज बीइंग 0. टेकिंग x इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, 0 इनटू समथिंग इज 0, सो f2 इज बीइंग 0. फॉर x इज इक्वल टू 3, f3 भी 0 होगा because 3 minus 3 is 0. Now, except these three values, f never will be 0. सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 के लिए ही f 0 होगा. Except 1, 2, 3, f will not be 0,
will not be zero, never ever. That means only we have three values for zeros. So set of zeros, we will write set of f is 1, 2, 3. So थोड़ा भेजे में आया कि नहीं? Set of zeros में हमेशा domain की values आएगी. We will write all the values of domain for which the function will be zero. यही हमें लिखना है. तो ये बात अब बराबर याद रखना कि जो x की values है उसे हमें लेना है. अब जैसे हमने sine और cos की definition last lecture में discuss किया था कि cos theta is equal to x and sin theta is equal to y. Also function को हम ऐसे लिखते हैं ना, fx is equal to y. So यही way में मैंने लिखा है. In place of x, sorry f, we have cos and sin. These are the particular functions. X के बदले हमारे पास theta है. Theta is element of the domain. In place of y, we have x and y because we have two functions. So theta is an element of domain and x and y will be element of codomain. So theta की जो values है for which the function zero होगा वो हमें लेना है, उसी को हम कहेंगे set of zeros. So cos के लिए set of zeros for cos, sin के लिए set of zeros for sin. ये हम लिखेंगे. तो अगर ये वे में आपको लिखना है so we will write fx equal to y. ये फॉर्म हो गया, ये पर्टिकुलर फंक्शन हो गया. और फॉर दिस वी विल राइट sin of theta is y. कैसी बात हो गई? जैसे आपके क्लास में आके मैं बोल दूं कि भाई anyone please come outside और मुझे कुछ काम करना है, तो आप में से कोई एक बाहर आ जाओ. तो ये मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन दी कि भी किस से बाहर आना है, कोई भी आ सकता है, anyone off from the class. But when I say meet, you have to come. Krina, you have to come. Sanjay, please come outside. तो ये पर्टिकुलर बात हो गई. अगर मैं किसी का नाम लेके बोल रहा हूं, इट मीन्स दैट उसी को बाहर आना है. बट व्हेन आई से प्लीज कम आउटसाइड वन स्टूडेंट, तो कोई भी आ सकता है. एफ मीन्स जनरल बात है, किसी भी फंक्शन के लिए कर सकते हैं. बट व्हेन आई से कॉस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कॉस. व्हेन आई से साइन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर साइन. सो दीज आर पर्टिकुलर फंक्शंस. It is in general form. So now we are going to determine the set of zeros for the particular functions, right? So first is set of zeros for sine. Sine function. Set of zeros for sine function. अब साइन जैसे मैंने बोला ना कि सेट ऑफ जीरोस ऑफ दिस एफ, तो एफ की वैल्यू जहां पे जीरो होती है वही एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मुझे लेने हैं. तो साइन के जीरोस के लिए साइन की वैल्यू ये यूनिट सर्कल पे जहां पे जीरो होगी, फॉर दैट हमें लेनी है थीटा की वैल्यू. तो साइन मींस व्हाट? वाई. वाई मींस वाई कोऑर्डिनेट. वाई ऑन दिस यूनिट सर्कल वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहां पे होगा? At which place y coordinate is being zero? Obvious on x axis, we know that on x axis y coordinate is zero. So we have only two places at which the y coordinate will be zero, means the value of sine will be zero. तो समझो कि sine को zero लेने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दो places की ही study करनी पड़ेगी. जिसके लिए zero लेना है, another way. जिसके लिए जीरोस लेना है उसके लिए आप जीरो ले लो. जैसे fx इक्वल टू मैंने जीरो लिया,
If fx equal to 0 means x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 equal to 0, therefore x equal to 1 or x equal to 2 or x equal to 3. जिसके लिए आपको सेट ऑफ जीरो लेना है उसकी वैल्यू जीरो ले लो. सो टेकिंग साइन थीटा इक्वल टू जीरो, व्हेन साइन थीटा इक्वल टू जीरो द पॉइंट पी विल बी ऑन ए और ऑन ए डैस. व्हेन साइन थीटा इज जीरो, अगर पी ए पर है या ए डैस पर है, एवरी टाइम द वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, मींस द फंक्शन साइन विल बी जीरो. So if sin theta is 0, therefore P theta is equal to A or P theta is equal to A dash. When P theta is on A, we will say theta may be 0, पूरा यूनिट सर्कल घूम के यहां पे आओगे, मे बी 2π, पूरा यूनिट सर्कल घूम के आओगे मे बी 4π, लास्ट लेक्चर से आपको पता चलेगा. और इफ पी थीटा इज ऑन ए डैश, थीटा मे बी पाई, पूरा घूम जाओगे मे बी 3π डैश डैश डैश. और मींस यूनियन, यूनियन को मैं मर्ज कर रहा हूं, देयरफॉर थीटा इज 0 और पाई और 2π और 3π और 4π और डैश डैश डैश. ये बात है सारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में. अगर मुझे रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना हो तो माइनस 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 आएगा. अब मुझे इसे जनरल फॉर्म में लिखना है तो हाउ कैन बी राइट, मैं पाई कॉमन ले रहा हूं सी. व्हेन पाई इज कॉमन, आप यहां पे लिख सकते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आ जाएगा. After taking pi common, 1, 2, 3, 4, dash, 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 pi. But the general form for these integers is 0 bhi aega, is n pi, n belongs to z. Now you can check. See, n mujhe lena hai z mein se. Jaise hi maine n equal to 0 liya, it will be 0. For n equal to 1, pi. For n equal to 2, 2π. For n equal to 3, 3π. अगर आप negatives n लोगे तो आपको clockwise direction means wrong direction के भी zeros of sign मिलेंगे. So it is general form. Therefore, set of zeros of sign तो we will write in set form equal to n pi, n belongs to z. ये भी आपको learn by heart करना है forever whenever you are in trigonometry. Your whole trigonometry life आपको ये याद रखना पड़ेगा. It is beginning of the topic. Now set of zeros for cos. Set of zeros for cosine function. Set of zeros for cosine function or cos function. See, at which place the cos is being zero. Cos means x coordinate. X coordinate kahan pe zero hoga? Obvious on y axis. We know that on y axis x coordinate is zero. So only two places we have. We have only two places at which the cos is being zero, and these are P and B dash. तो जिसका set of zeros निकालना है उसके लिए आपको zero लेना पड़ेगा. So taking cos theta equal to zero, taking cos theta equal to zero. भाई cos theta zero है तो point P कहां पे मिलेगा? भाई x coordinate zero है तो point अभी या तो B पर मिलेगा या तो B dash पर. Therefore, P theta
is B or P theta is B dash. ये सारी चीजें याद रखो. अहमदाबाद में ओनली थ्री टीचर्स आर टीचिंग. फर्स्ट इज आई, सेकंड वन इज मिस्टर आहूजा सर इन मणिनगर, थर्ड टीचर इज एमपी इन नारायणपुरा. बाकी सब आपको ऊपर 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 से समझा देंगे, याद रखना. ये बहुत डेप्थ मैंने दी है. सो ये लेक्चर कम से कम 3-4 बार देखना बेटा. सो फॉर सेट ऑफ जीरोस ऑफ cos, टेकिंग cos थीटा इज जीरो, सो p थीटा इज ऑन b और p थीटा इज ऑन b' डैश. व्हेन p थीटा इज ऑन b, थीटा विल बी, चलो घूमते घूमते मैं यहां आया, सो इट विल बी पाई बाय 2. अब यहां पे लास्ट लेक्चर आप याद करो, पूरा रोटेशन मैंने आपको दिखाया था. कौन सा रूल? लीगल एंड इलीगल वाला रूल याद है ना? सो वही लगाएंगे, पाई बाय 2, फिर 3 और फिर वापस 5 पाई बाय 2, फिर 7 वापस 9 पाई बाय 2 डैश डैश डैश. और इफ p थीटा इज ऑन b तो घूमते घूमते आए 3 पाई बाय 2, फिर 5 नहीं लेना है 7 पाई बाय 2. इसी तरह से हमारी ट्रेन आगे चलेगी. और मींस यूनियन, यूनियन मींस दोनों को जोड़ दो. Therefore theta is equal to pi by 2, then 3 pi by 2, then 5 pi by 2, then 7 pi by 2, then dash dash dash. Taking pi by 2 common, so equal to 1, 3, 5, 7, dash 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 pi by 2. ये बात है सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की. यू कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इन आफ्टर द जनरल फॉर्म वी विल राइट बिलोंग्स टू जेड, सो एवरीथिंग विल बी इनसाइड. समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीथिंग विल बी इनसाइड. सो दीज आर ऑड नंबर्स एंड वी नो द जनरल फॉर्म फॉर द ऑड नंबर्स. ये भी मैंने आपको दिया हुआ है अगर याद हो तो. We know the general form for the odd numbers, and that is 2n plus 1 or 2n minus 1. आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो. So in general we can write 2n plus 1, pi by 2 वापस मैंने जोड़ दिया, n belongs to z. See when we take n belongs to z, जो clockwise direction है वो सब कुछ अंदर आ जाएगा. ये लेक्चर आप 3-4 बार देखोगे, धीरे 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 सारी चीजें आपके दिमाग में जाएगी. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सेट ऑफ जीरोस, जैसे मैंने यहां पे लिखा था. सो देयरफॉर सेट ऑफ जीरोस फॉर cos is equal to set of 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z. So ये जो दो set of zeros आज हमने यहाँ पे define किए हैं, बराबर याद रखना. Till 2 years, till end of the 12th, for the exam of the JEE, for the exam of the good set also, we will use, you will use, I also use. So set of zeros for sine, set of zeros for cos, set of zeros for tan, set of zeros for cot, sec, cosec, सब कुछ मुझे define करना है. पर वो सारी definitions देने के लिए ये जरूरी था. तो इसके बाद में आज ये लेक्चर यहां पे मैं फिनिश कर रहा हूं. बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट रेंज, न्यू टॉपिक, रेंज ऑफ साइन, रेंज ऑफ कॉस. देन वी विल डिफाइन टेन, कॉट, सेक, कॉसेक. टेन के लिए आपको बताया कि साइन अपॉन कॉस, वहां पर डेनोमिनेटर में कॉस है. बट डेनोमिनेटर में कॉस है सो कॉस कैन नॉट बी जीरो. कॉस कैन नॉट बी जीरो तो हमें यह पता होना चाहिए कि एट विच प्लेसेस कॉस इज बीइंग जीरो. जहां पे कॉस जीरो हो रहा है वो प्लेसेस हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे,
तब जाके साइन अपॉन कॉस मिलेगा, तब जाके 10 का बर्थ होगा एंड वी विल सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ द 10। सो इन लास्ट लेक्चर बर्थ हो गया साइन और कॉस का, आपने शायद बर्थडे की काटी भी होगी, सेलिब्रेट भी किया होगा। अभी 10 कोट सेक कोसेक के लिए भी तैयारी रखनी है। आज सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसा टॉपिक लिया जो बीच वाला पार्ट था, कोई उसका नाम नहीं दे सकते हैं। बट आज एक चीज और हमने देखी, एड्रेस ऑफ द पॉइंट, वैल्यूज ऑफ द सम एंगल्स लाइक कॉस 0 इज 1, साइन 0 इज 0, cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1, cos pi is minus 1, sin pi is 0, cos 3 pi by 2 is 0, sin 3 pi by 2 is minus 1, cos 2 pi is 1, sin 2 pi is 0. ये values भी हमने देखी। Getting my point? So, आज का ये जो lecture है, is very, very, very important. कम से कम, 3 से 4 बार, आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, देन इट विल बी हेल्पफुल इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक रेंज करके टॉपिक है जो आप फंक्शन में पढ़े हुए हो। सारे टॉपिक्स को आपको लेके आना है ट्रिगो में। फंक्शंस इज जनरल फॉर्म, आपको वो ट्रिगो में भी ले जा सकते हो, एल्जेब्रिक में भी ले जा सकते हो, लॉगरिथमिक में भी ले जा सकते हो, एक्सपोनेंट, ये सारे फंक्शंस है, दीज आर द फंक्शंस। सो फंक्शन इज ओरिजिन फॉर द फंक्शंस, वहां से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी निकलेगा, एल्जेब्रिक फंक्शंस भी निकलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इंटीजर पार्ट फंक्शन, सब कुछ निकलेगा, बिकॉज चैप्टर 2 इज ओरिजिन फॉर द फंक्शंस। सो सबको फिर से मेरी ओर से ऑल द बेस्ट फॉर दिस लेक्चर। ये लेक्चर पूरा कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट रेंज, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।